नमस्कार, आप सब लोगों का नमस्कार। स्वागत है। हमारे साथ हैं ब्राह्मण अस्मिता एकता संस्कार सहयोग मंच के अध्यक्ष पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, और हमारे साथ खास तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज डॉक्टर बालविंदु शेखर द्विवेदी जी। मैं राकेश जी आपसे अनुरोध करूंगा, एक जरा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दें और बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से विषय आपके पास ऑलरेडी जी है, या आप अगर कहेंगे तो मैं डॉक्टर विषय बता दूंगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन आप। शुक्ल साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार और वालन जी के द्विवेदी जी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे बीच में महेश योगी के राजगढ़ डॉक्टर वालन शेखर द्विवेदी जी उपस्थित हैं, जो कि आयुर्वेद का प्रचार पूरे विश्व में करते हैं। स्पष्ट हो गया कि कोरोना वायरस के इस दौर में पश्चिम जीवन शैली जो है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था और चिकित्सीय व्यवस्था, ये बिल्कुल फेल हो गई है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद को हम कैसे अपनाएं और उसको तो कैसे समझें, इसके लिए हमारे बीच में हैं आज डॉक्टर बालेंद्र शेखर द्विवेदी जी। मैं उनसे जानूंगा कि हम सब आयुर्वेदिक का उपयोग किस तरीके से करें। द्विवेदी जी, जी नारायण समारंभाम श्री शुकाचार्य मध्यमाम स्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम यस्विनी स्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममेतमहं वंदे विद्यातीत महेश्वरम वेदा शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिव अस्मात् स्वरप्रियत्नेन वेदमेव सदाप्येत वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय आयुर्वेद एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस विषय पर हम बात करेंगे। वेद भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान। हमारे यहाँ चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेद की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि आयुर्वेद को सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने याद किया। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। ये परंपरा तो स्वर्ग की है। धरती में आयुर्वेद के अवतरण की बात महर्षि भरद्वाज से शुरू होती है। त्रेता युग के अंत में जब देखा गया कि व्याधियां आम जनता के बीच में आ गई हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हिमालय की तराई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में
सभी ऋषियों मुनियों ने ध्यान किया और उस ध्यान में ये बात सामने आई कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो भगवान इंद्र के पास में है। तो इसके लिए महर्षि भरद्वाज जी इंद्र के पास में गए और उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया। इसके बाद फिर धरती में उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। आयुर्वेद जो है एक महान विद्या है जिसके माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में दो शब्द हैं, आयु धन आयुर्वेद। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धार जीवितम नित्यगस्तानुबंधस्य पर्यायार्युच्यते। आयु का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। वेद का मतलब है पवित्र ज्ञान, अर्थात जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक आयु है। आत्मा के अलग होते ही मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है, इसलिए जीवन में आत्मा की प्रधानता है। अतः मनुष्य को आत्मा के संबंध में ज्ञान होना अनिवार्य है, बिना आत्मज्ञान के जीवन अधूरा रहता है। बिना आत्मज्ञान के मनुष्य को जीवन भर अशांति से जीना पड़ता है जो कि मानसिक रोगों का कारण है। अतः समस्त मानव जाति को आत्मज्ञान की आवश्यकता है। परम पूज्य महर्षि जी द्वारा प्रतिपादित भावती ध्यान का अभ्यास नियमित करने से व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है, जिससे अपने आप आत्मा का बोध होने लगता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य में आनंद की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होने लगती है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, जिस कारण मन में शांति होने से व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होने लगता है, अर्थात मनोकामनाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है। यह सब आत्मबोध का ही प्रभाव है। अतः आत्मज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय है भावातीत ध्यान का नियमित अभ्यास। शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूतों से है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शारीरिक क्रियाओं के संपादन हेतु ये पांच महाभूत वात पित्त कफ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आकाश तथा वायु महाभूत से वात की उत्पत्ति, अग्नि एवं जल महाभूत से पित्त की दोष की उत्पत्ति, जल एवं पृथ्वी महाभूत से कफ दोष की उत्पत्ति होती है। वात पित्त कफ सम अवस्था में रहते हैं तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, अन्यथा विषम होते ही शरीर रोगी हो जाता है। वात पित्त कफ को त्रिदोष कहा जाता है, क्योंकि ये सब रस रक्त आदि धातुओं से को दूषित करते हैं। इसी तरह मन के दोष हैं रज एवं तम, इनके द्वारा भी मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि होते हैं। मन का वास्तविक गुण सात्विक होता है, सात्विक मन ही परमात्मा से मिलाता है। भावातीत ध्यान से मन सात्विक होता है, इसी जीवन में सुख शांति पैदा होती है। पंच ज्ञानेन्द्रियां एवं पंच कर्मेंद्रियों से समुचित प्रयोग से शरीर स्वस्थ रहता है, अनुचित प्रयोग से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए महर्षि चरक ने रोग का कारण प्रज्ञा अपराध बताया है। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। यानी बुद्धि भ्रष्ट होने से जब अनुचित कार्य करते हैं, प्राणियों को कष्ट देते हैं, दूसरे को अपराध करते हैं, इससे हमारे जीवन में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए महर्षि जी ने कहा है कि प्रज्ञा अपराध दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान करना। तो जो लोग ध्यान करते हैं वो प्रज्ञा अपराध से दूर रहते हैं तथा उनको रोग की उत्पत्ति उनके अंदर रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। और अगर कोई रोग उत्पन्न हो चुका है तो भी धीरे धीरे आयुर्वेदिक औषधियां लेने से और पंचकर्म करने से
और ध्यान करने से, योगाभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद जो है उसके दो प्रयोजन बताए गए हैं। पहला प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन है जो रोगी है उसको रोग मुक्त करना। तो हम पहले यहां पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आजकल स्थिति इस तरह से बनी हुई है, पूरे ब्रह्मांड में कोरोना वायरस की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। इस विषय को लेकर के सारा समाज चिंतित है। आयुर्वेद के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समस्या का वर्णन आयुर्वेद में पहले से है। इसको जनपदोध्वंस कहा जाता है। जनपदोध्वंस का मतलब होता है जब एक पूरे समाज में, पूरे विश्व में एक तरह की कोई समस्या खड़ी हो जाती है कि जिससे प्राणी को कष्ट होने लगता है और उसका फैलाव होने लगता है महामारी के रूप में, उसको जनपदोध्वंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में बताया गया है इसका जो कारण है अधर्म है। अधर्म जब ज्यादा होता है तो इस तरह से प्रकृति के अंदर दोष पैदा हो जाता है और उसका प्रभाव प्रत्येक मानव समुदाय को झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसके अंदर जो यज्ञ आदि कर्म बताए गए हैं, सत्कर्म बताए गए हैं, परोपकार करना, भगवत भजन करना, ध्यान करना, ये सब कार्य करने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो विधान है उसको हम कहते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है जैसे सवेरे 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में भगवत चिंतन करना चाहिए, गुरु का चिंतन करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है तो परमात्मा का चिंतन हम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसके बाद में जो है दंत धावन आदि करके, शौच कर्म करके, पवित्र हो करके और हाथ मुंह धो करके, उसके बाद सबसे जरूरी है कि हम थोड़ा सा 1 चम्मच तिल तेल लेकर के उसको मुंह में भर लें उसको, और उसको हिलाते रहें 2-3 मिनट, फिर उसको बाहर फूंक दें उसको, और थोड़ा सा तेल नाक में भी डाल लें, 2 बूंद तिल का तेल नाक में भी डाल लें। उससे क्या होगा कि कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है आपके जीवन में नहीं आएगा। और उसके बाद में थोड़ा गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके कुल्ला भी कर सकते हैं, गार्गलिंग भी कर सकते हैं, तो उससे अगर कोई वायरस आपके मुंह में आएगा तो वो वहीं खत्म हो जाएगा वो। और उसके बाद में पूरे शरीर में तेल मालिश करना चाहिए। तेल मालिश करने से क्या है कि हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आने पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्नान करके और योगासन करें, कम से आधा घंटा योगासन करें, जैसे पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, मर्कटासन है, और दूसरा है जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है। इस तरह से आसन करने से हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। से हमारे यहाँ योग में अष्टांग योग कहा गया, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इस तरह से हमारा जो योग का जो विधान है उसमें आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है। रोज आसन करने से, प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम जैसे कपालभाति कर लिया, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, ओम का उच्चारण कर लिया, इस तरह से हम अगर अपने जीवन को जोड़ते हैं रोज प्रतिदिन सवेरे शाम। विशेषता उसमें यह है कि
हमारा आसन जो है वो खाली पेट होना चाहिए, कोई कुछ खाना नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए, कुछ खाली पेट करेंगे तो उसका फायदा होगा और खा के करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इस तरह से आसन प्राणायाम करके फिर उसके बाद थोड़ा सा भावातीत ध्यान कर लिया। हमारे यहाँ महर्षि जी की तरफ से भावातीत ध्यान पूरे विश्व में कराया जाता है, सब लोग ध्यान करते हैं और आनंद में रहते हैं, क्योंकि आनंद का मतलब होता है ब्रह्म से जुड़ना। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और सत्य के साथ जुड़ने से कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, दुख दूर हो जाता है। अगर हम ब्रह्म से जुड़ते हैं तो वो दुख दूर हो जाता है, यानी हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं आएगा। और दूसरा योग का लाभ क्या है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होवति दुःखा। हमारा जो आहार विहार मतलब हमारा जो खान पान भोजन करने की जो पद्धति है वो सही ढंग से होना चाहिए, यानी समय पर भोजन करें और समय पर सोएं और समय पर अपने कार्य को करें और समय पर अपने जो जिम्मेवारियां उसको निर्वहन करें। इस तरह से करने से योगो होवती दुखा, योग सिद्ध हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा दुख जो है वो दूर हो जाता है। तो आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमको निश्चित लाभ होगा और हमारा जीवन जो है सुखी रहेगा। इस तरह से हमको जी मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। आज एक ये इंट्रोडक्टरी हमारा मीटिंग है और मेरे ख्याल से एक श्रृंखलावार तरीके से हम आयुर्वेदिक पद्धति को अपने जीवन में कैसे धारण करें इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन जो आपसे मैं चाहूँगा कि दो मिनट में आप इसका जवाब दें कि आज जैसे पूरी दुनिया में जो सबसे एडवांस्ड चिकित्सा पद्धति मानी जा रही है वो एलोपैथी, और एलोपैथी की विशेषता ये है कि जो भी चाहे ड्रग डेवलपमेंट हो चाहे वो शैल्य चिकित्सा पद्धति हो हर हालत में उसमें डेटा का काफ़ी उपयोग करते हैं वो लोग, एक्सपेरिमेंटेशन है उसका, डाटा है और डाटा के आधार पे वो अपने कंक्लूजन्स को व्यक्त करते हैं। आयुर्वेद में क्या हम डेटा ओरिएंटेड कुछ स्टडी कर रहे हैं ताकि हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने रख सकें, क्योंकि अभी तो विश्व हमें बहुत हल्के में लेता है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। अभी आयुर्वेद में भी अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं भारत सरकार की तरफ से, वो लोग डेटा कलेक्शन काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सामने आ जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन पद्धति है ना, तो प्राचीन पद्धति होने से उसका जो मुख्य काम है उसके विश्वास आशा आस्था और विश्वास पे चलता है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो कह दिया, उन्होंने को कह दिया कि रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष श्यामम आरोग्यता, कि रोग जो है वो क्या है, विषमता है, दोषों की विषमता है, जो बात पित्त कफ है वो विषम हो गए। अब बात पित्त कफ को हम उसमें पैरामीटर में कैसे मशीन से नाप सकते हैं, समस्या ये है ना। उसके लिए हमारे यहाँ नाड़ी विज्ञान का वर्णन आया है कि नाड़ी विज्ञान के द्वारा हम बात कब के सम अवस्था का विषम अवस्था का पता लगाते हैं। तो वो भी धीरे धीरे उसके न्यूनता आ गई, उसके ज्ञान में न्यूनता आ गई। तो ये भारतीय संस्कृति का जो विज्ञान है ये मशीन के द्वारा नहीं नापा जा सकता, इसके लिए तो हमको अपने अनुभव और अपने अभ्यास पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। और जब एलोपैथी नहीं थी तब भी हमारा आयुर्वेद काम करता था, उस समय लोग बड़े स्वस्थ होते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे हमको जीवन में कभी बुखार नहीं आया। उसका कारण ये था कि मतलब वो जो हमारे यहाँ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य तीन उपस्तंभ कहे गए हैं, आहार का पूरा ढंग से पालन करना, निद्रा को समय पर लेना, ये नहीं कि दिन भर सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब तीन चीजें जो है बहुत जरूरी थी अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से अगर हमारी जो दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, जिसे ऋतुचर्या मतलब जिसे वर्षा ऋतु आ गया है तो वर्षा ऋतु में कौन सा चीज खाना कौन सा चीज नहीं खाना, ये सब हमारे उसके
विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब ये है कि मतलब आज का युग है, इसमें केमिकल का युग आ गया है, मशीन का युग आ गया है, वो सब ठीक है, लेकिन हम उसको अपने आयुर्वेद को मशीनीकरण तो नहीं कर सकते ना उसको। हाँ, और डाटा बनाने के लिए कर सकते हैं कि भाई हमने ये औषधि दिया तो इसमें इतने ब्लड टेस्ट ऐसा हो गया वैसा होगा, उसको एक नए मशीन में डाल सकते हैं उसको। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है वो बात पित्त कफ का सिद्धांत है कि इस चीज को खाने से बात प्रकोप होता है, इस चीज को खाने से पित्त प्रकोप होता है, इसको खाने से ठंडा ठंडा चीज खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो जुकाम हो जाता है। अब उसमें जुकाम हो गया तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च और तुलसी को उबाल के पिया तो जुकाम ठीक हो जाता है। इस तरह से हमारा जो अभ्यास जो है, हमारे जीवन का अभ्यास जो है, और हमारे जो पूर्वजों ने जो चरक संहिता वगैरह हमारे अष्टांग हृदय और सुषुप्ति संहिता में जो लिखा हुआ है उस पर हम विश्वास करते हैं, उससे हमको लोगों को फायदा होता है। अगर हम उसको देते हैं तो फायदा भी होता है। तो आपके कथना अनुसार जो आप चाहते हैं कि मतलब उसका डाटा वगैरह, तो उसका भी डाटा भारत सरकार के पास उसकी चल रही है, काम चल रहे हैं, और जितने औषध निर्माण करने वाले लोग हैं वो सब अपना एक रिसेंट डेवलपमेंट सेंटर खोले हुए हैं, वो भी रिसर्च करते रहते हैं उसके बारे में कि उसमें कौन कौन सी औषधियां डाल रहे हैं, उसमें जड़ी बूटी में क्या क्या तत्व पड़े हुए हैं। एक नया आविष्कार शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे वो भी सामने आ जाए, तो भारत सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आधुनिकता की ओर ले जाता है, तो उसमें भी हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ये बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। राकेश भैया, आपके फाइनल कमेंट के साथ आपसे अनुरोध करेंगे कि जो है ये आयुर्वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस पे आस्था अटूट इसलिए भी है क्योंकि आयुर्वेद से लाभ न जाने कितने हजारों वर्षों से लगातार जो है मनुष्य काम, कम से कम भारतवर्ष में तो मनुष्य इसका लाभ ले ही रहा है। तो आगे हम आज के परिवेश में हम इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके ऊपर डॉक्टर साहब से कई उद्बोधन हमें रखने होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज आप इसको कंक्लूड करें, और आपसे निवेदन होगा कि आगे के दिन तारीख जो है तय करके हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलाएं। शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और हमारे द्विवेदी जी ने तो उसके लिए विस्तृत जानकारी दे दी है। परंतु मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी जो है जिस हिसाब से आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद के लिए के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में ये सब चीजें, पद्धति जो है, पद्धति सब जगह वर्णित है, परंतु उसको लोगों में ज्यादा जागरूक नहीं किया गया है। इसके लिए ज्यादा नहीं, आज की तारीख में व्यक्ति तुरंत ये चाहता है कि उसको तुरंत उसको आराम लगे। इसी चीज को देखते हुए आज जो आयुर्वेदिक पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति ऐसी पद्धति है जो जो भी रोग है वो जड़ से खत्म होता है, परंतु इसमें समय लगता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक करने की आवश्यकता है, और निश्चित बात है कि हमारे बीच में बालेंद्र द्विवेदी जी जो है, हम और भी व्याख्यान रखेंगे जिसमें कि उस विस्तृत जानकारी रखेंगे कि किन किन रोगों के बारे में किस किस चीज से हमें लेना चाहिए और किस तरीके से हम इससे निरोगी हो सकते हैं। तो इसके हम अगले व्याख्यान रखेंगे, और समय लेकर अगले कार्यक्रम की ओर फिर जाएंगे। और निश्चित ही कि हम लोगों से भी यह आग्रह करेंगे कि जो हमारा उपनिषद फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, और इसमें हमारे ये सभी विषय हम शामिल करेंगे कि जिससे व्यक्ति के लिए निरोगी भी कैसे रखा जा सकता है, आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटा जा सके, राजनीतिक समस्याओं से कैसे निपटा जा सके, धार्मिक स्थितियां जो हैं, धार्मिक पद्धति हमें कैसे अपनाएं, दूसरी बात सामाजिक स्तर पर हम कैसे आगे बढ़ें, इन सभी विषयों को लेकर हम इस उपनिषद फाउंडेशन के माध्यम से आप सब लोग में रहते होंगे। सभी से मेरा आग्रह है कि उपनिषद जो फाउंडेशन चैनल है, इसके लिए अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, हरिओम, हरिओम।